हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाले वाली सूखी अरबी। अरबी को एक बाउल में 10 मिनट के लिए पानी में डालकर डीप कर लें। इससे अरबी पर लगी हुई मिट्टी जल्दी से उतर जाएगी। आप इसको अच्छे से मसल कर धो लें। कुकर में अरबी और थोड़ा सा पानी डालकर 2 से 3 विसल लगा लें। विसल निकल जाने पर अरबी को ठंडा कर चील लें। अब सारी अरबी को हल्के से प्रेस कर लें। एक पैन में घी गरम करके इसमें अरबी को धीमी आंच पर शैलो फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से हल्का ब्राउन करेंगे। ब्राउन होने पर सारी अरबी को एक प्लेट में निकाल लें। एक कटोरी में नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, आमचूर, सूखा धनिया और 2 चम्मच इसमें सूखा आटा डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जिस पैन में अरबी फ्राई की थी उस पैन में मसाले डालने से पहले गैस बंद कर लें। मसाले डालने के बाद ही गैस चालू करें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। मसाले हिलाते हुए अरबी को डालकर 2 मिनट के लिए पकाएं। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए, मसाले वाली सूखी अरबी तैयार है। इसे हम हरी मिर्च और धनिये से गार्निश करेंगे। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।